दोस्तों, बैंकॉक के बारे में आपने तो कभी ना कभी सुना ही होगा। आज मैं इसी शहर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसके अंत तक बने रहे। दोस्तों, बैंकॉक थाईलैंड के कुछ सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, क्योंकि ये ना सिर्फ थाईलैंड का राजधानी है बल्कि ये थाईलैंड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। और ये बैंकॉक सिटी थाईलैंड पे आने वाले टूरिस्टों के लिए उनका पहला पसंद भी है। दोस्तों, बैंकॉक का असली नाम है कुरुंगथेप और ये इसका पूरा नाम नहीं है। ये बस इसके पूरे नाम का एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि थाई लैंग्वेज में इसके नाम में टोटल 159 कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से बैंकॉक को दुनिया का सबसे लंबा नामों वाला शहर कहा जाता है, जो दरअसल गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और इसका पूरा नाम है ये, जो आपके सामने प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है, होम ऑफ रेडबुल एनर्जी ड्रिंक। जी हाँ, द वर्ल्ड फेमस एनर्जी ड्रिंक रेडबुल, जिसे पूरी दुनिया के लोग वाकिफ है, इसका जन्म बैंकॉक में ही हुआ था। दरअसल रेडबुल चालियो यबिदिया नाम के एक व्यक्ति, जो पहले सेंट्रल थाईलैंड में रहते थे और बाद में बैंकॉक में शिफ्ट हो गए, उनके द्वारा ही बनाया गया था, जिन्होंने बेहद कम फॉर्मल एडुकेशन होने के बावजूद इस ड्रिंक की मदद से एक $multi-million का एम्पायर खड़ा कर दिया। और इसमें उनका साथ दिया उनका बिजनेस पार्टनर डिएट्रिच मैथेस्टिस, जिन्होंने बाद में इस ड्रिंक को पूरी दुनिया में फैला दिया। बैंकॉक का और एक खासियत है कि यहाँ के करेंसी को बात कहा जाता है, और 1, 2, 5, और 10 बात के कॉइन के ऊपर बहुत सारे टेम्पल का पिक्चर भी होता है, और इनमें से हर एक टेम्पल बैंकॉक में ही स्थित है। और अगर आप चाहे तो इन टेम्पल्स को एक ही दिन में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना के बाहर अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा चाइना है तो वो थाईलैंड के बैंकॉक में ही है, क्योंकि बैंकॉक का चाइना टाउन दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन है, क्योंकि इसमें 10 लाख से भी ज़्यादा चाइनीज लोग रहते हैं। और इस चाइना टाउन को लोकल लैंग्वेज में यावारत कहा जाता है। और इसी टाउन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा का मूर्ति भी है। बैंकॉक को वेनिस ऑफ द ईस्ट यानी पूरब का वेनिस शहर भी कहा जाता है, और इसका कारण है यहाँ का चाओ प्रिया नदी, क्योंकि इस नदी की बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं पूरे बैंकॉक में फैला हुआ है, जिससे ये काफ़ी हद तक अंदर ही अंदर पानी से घिरा हुआ है, और इसी वजह से इस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और इसी नदी की वजह से बैंकॉक हर साल 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक डूबता जा रहा है। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बैंकॉक को दुनिया का सबसे गर्म शहर भी माना जाता है, क्योंकि इस शहर का टेम्परेचर साल भर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और सिर्फ नवंबर से फरवरी तक इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। अगर आप बैंकॉक में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी के बीच में आपको जाना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त बैंकॉक का टेम्परेचर सबसे कम होता है। दोस्तों, हमारे देश इंडिया का हर एक टॉयलेट जैसे मेल और फीमेल के लिए ही होता है, वैसे ही बैंकॉक में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग टॉयलेट बना हुआ होता है, और ये इस शहर में हर एक जगह आसानी से देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बैंकॉक के लोग यहाँ के राजा को अपने भगवान की तरह पूजते हैं, और इसी वजह से यहाँ के हर एक वॉल में आपको इनका पोस्टर आसानी से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंकॉक का टैक्सी सर्विस भी और दूसरे देशों के मुकाबले में बेहद हटके है, क्योंकि दुनिया के बहुत से देशों में टैक्सी का कलर जैसे येलो ही होता है, इसके उलट बैंकॉक में अलग अलग टैक्सी कंपनी का खुद का अलग अलग कलर होता है, जैसे पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, और भी कई रंग बिरंगी टैक्सी आपको बैंकॉक शहर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बैंकॉक का नाम आए और थाई मसाज का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, यहाँ के हर एक स्ट्रीट में आपको थाई मसाज पार्लर देखने को मिल जाएगा, और वो भी आपका बजट और टाइम अनुसार आप खुद का पार्लर चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में ही स्थित है, जिसका नाम है चाटुचक वीकेंड मार्केट, जो बैंकॉक के खामफेंग फेट स्ट्रीट में स्थित है। सो फ्रेंड्स, आज के इस सफ़र में बस इतना ही। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।